हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज बात करेंगे वर्कशीट 56 के बारे में, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जारी की गई। ये कॉमन वर्कशीट है 8 सितंबर की। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वैसे SST सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। आइए ज़रा देख लेते हैं। संसद के 2 प्रमुख सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा है। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा सदन के, संसद के 2 प्रमुख सदन हैं और इनकी कार्यवाही को सुचारू रखने के लिए लोकसभा अपने अध्यक्ष का चयन करती है। और चयन कैसे होता है, उसमें से ही चयन होता है जो वह व्यक्ति हैं या लोकसभा के मेंबर्स हैं जो हम चुन के वहाँ भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो राज्यसभा के सदस्य सभापति होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे कह रहा है ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। सबसे पहला कार्य यही हो गया कि वो अध्यक्षता करेंगे और सदन के कामकाज का संचालन करेंगे। अध्यक्षता करेंगे और काम सदन का संचालन करेंगे। जैसे आपके टीचर्स, आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आपके क्लास में जो भी ज़रूरी काम करना होता है क्लास टीचर्स वो काम कराते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, लोकसभा के सदन का की अध्यक्षता करते हैं और सदन का कामकाज देखते हैं। फिर आगे कहता है ये वह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह ये भी निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ठीक है। धन विधेयक कौन सा होगा, जिसमें कुछ पैसे का लेन देन होगा, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है, वह सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी करते हैं। तो सांसदों को दंडित कैसे करते हैं, वो सांसदों को जो है दंडित सेम उसी प्रकार करते हैं जैसे हमारे टीचर करते हैं। हमारे टीचर क्या करते हैं, आप लोगों को वार्निंग देते हैं, फिर आपके माता पिता को बुलाते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लगभग ऐसे ही करते हैं, इन्हें वार्निंग देते हैं या फिर हटा देते हैं क्योंकि वो तो बड़े हो गए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वह विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देते हैं और अटेंशन नोटिस देते हैं। वो क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जैसे हो गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब कोई सरकार अल्पमत में हो, यानी कि उसके पास उतने आदमी ना हो जितने की एक सरकार बनाने की जरूरत है। या फिर जैसे अटेंशन नोटिस, अटेंशन नोटिस क्या होता है, अटेंशन नोटिस वो होता है जिसमें किसी एक खास कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति होता है पूरे सदन का नोटिस या पूरे सदन का अपनी तरफ रुख या अपनी अटेंशन चाहता हो उसे बोलते हैं अटेंशन नोटिस, ठीक है। तो आगे क्या करता है, अध्यक्ष ये तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा ला जाती है। अच्छा, अध्यक्ष ये तय करते हैं कि किसी सदन की बैठक में क्या क्या एजेंडा लाए जाने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष की सूची दे रखी है बहुत बड़ी, तो ज़रा इसे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब सूची देखेंगे तो हम शुरुआत में सबसे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 तक, ठीक है। फिर है श्री अनंत श्यामनम अयंगर 1956 से 1962 तक, ठीक है। इस तरह सदन की सूची चलती रहेगी और जब हम आखिरी में आएंगे तो हम देखेंगे कि जो ओम बिरला जी हैं वो अभी एट प्रेजेंट हमारे क्या हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, पूरी लिस्ट में एक महिला अध्यक्ष का नाम मिलेगा आपको, श्री मीरा कुमार जी 2009 से 2014 तक ये अध्यक्ष रही थी, ठीक है। तो ये तो होगी लोकसभा अध्यक्ष की बातें। अब क्या कह रहा है, ये वर्तमान भारत में राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। वर्तमान भारत में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं श्री वेंकैया नायडू जी, वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। फिर है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्रीमती मीरा कुमार।
तो फिर आखिरी में क्या पूछ रहा है, आखिरी में पूछ रहा है ये आपसे कि यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको ये सारे कार्य करने होते, ठीक है। जैसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, अनुशासनात्मक और मर्यादा बनाए रखना सदन की, और बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस तरह की बातों को तय करना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट बच्चों, ठीक है। इसे ध्यान से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।